हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानिक मॉड्यूल में लैपटॉप डेस्कटॉप एंड फोन का टेक्नीशियन हूं। तो गाइस, मेरे पास फोन आया है, ये रेडमी 5A का फोन है। इसमें जो प्रॉब्लम है, देखिए, इसमें ये डेड फोन है। अभी देखिए, हम जिस टाइम पे चार्जिंग जैक लगाता हूं, देखिए, मतलब कुछ हरकत नहीं है। और हम पहले से डिसअसेंबल करके रखा है पीछे से। देखिए, एक तो ये जो चार्जर है, देखिए थोड़ा सा रेड ऐसे होके रह रहा है। फिर हम इसको भी ओपन कर लेता हूँ, फिर भी देखिए, हम पे ओपन करता हूँ, थोड़ा सा देखिए शॉर्ट होता रहे। ये फुल्ली जो ग्रीन है, वो ग्रीन लाइट जलेगा, लेकिन रेड भी जल रही, मतलब हमारा ये शॉर्ट बता रही है। चार्जिंग सेक्शन में शॉर्ट है, देखिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। ये हमारा 5A है, 5 का जो चार्जिंग सेक्शन है, हम एक्चुअली कि फर्स्ट बैटरी में देखिए कितना चार्ज है, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए 4.33 सप्लाई है, फिर भी ये फोन ऑन नहीं हो रही है। तो गाइस, देखना है हमारा जो चार्जिंग सेक्शन कहाँ पर है। ये हमारा फोन का जो चार्जिंग है सेक्शन है, ये वाला, ये है जो आईसी का नंबर जो है, अभी देखता हूँ, BQ25601 है, BQ25601। देखिए, हम स्पेटिक डायग्राम से अभी दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, ये हमारा जो, देखिए हम मदरबोर्ड में जाता हूँ, ये हमारा पीसी है, ये सॉरी गाइस, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारा आईसी है, U0501 है। तो हम ये स्मेटिक डायग्राम में देखिए, U0501 है। इसमें देखिए लिखा भी है चार्जर, मतलब ये चार्ज आउट है। ये 13 और 14 नंबर पिन से चार्जिंग जो आउट होगा, और कैपेसिटर जो है C0509 है, या इसी में सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो हमारा वीवा जो सप्लाई आएगा, एक 3 कैपेसिटर यूज किया है, देखिए ये C0510 है गाइस, देखिए C0510 है, C0511 है, C0520 है। तो हम ये जो 0510 और 0511 10, 11 और 20 ये है, तो हम इसमें देखूंगा वो कहाँ पर लगा है। तो हम इसमें सर्च करूंगा C0510 कहाँ पर है, ठीक है। ये देखिए, इसमें दिखा रही है, थोड़ा सा जूम करता हूँ, इसमें देखिए 0510 है, 0510 है, 0512 है, C0520 है, ये कहाँ पर है। तो गाइस देखिए, ये जो है L0501 है, ये VPS का पावर है। देखिए स्मेटिक डायग्राम में लिखा है, देखिए VPS पावर है। ये जो लाइन है, देखिए इसी लाइन का जितना भी कैपेसिटर है, ये शॉर्ट बता रही है। ओके गाइस, हम बोर्ड में दिखाता हूँ, देखिए आसपास में कुछ कैपेसिटर PPS को सप्लाई में, देखिए ये 0501 है, ये शॉर्ट है, इसको
देखिए कितना जो है पीपीएस का सप्लाई जहाँ पहुँचा गया है, सारा लाइन शॉर्ट हो गया है। तो एक बार जो है हमारा ये जो चार्जिंग जो आईसी है, मतलब एक कैपेसिटर खराब होता तो ऐसे प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाता। तो देखना है हमारा ये बीपीएस का जो फास्ट जो सप्लाई है, पूरा बोर्ड को अलग कर लेता हूँ, जहाँ पर बीपीएस का सप्लाई जाता है कौन सा कंपोनेंट एकदम ग्राउंड के साथ कोई विदाउट वैल्यू देता है, वो भी चेक करूँगा। तो जहाँ पर बीपीएस का सप्लाई गया है वो हर लाइन को हम चेक करूँगा, कहाँ पर जा शॉर्ट एकदम ग्राउंड के साथ दोनों साइड में जीरो जीरो आएगा, सेम वैल्यू आएगा। देखिए गाइस हमारा मल्टीमीटर है, वैल्यू भी चेक करना है, तो इसलिए हम रेड प्रो को ग्राउंड के साथ और ब्लैक प्रो को कंपोनेंट के साथ। देखिए बीपीएस का सप्लाई आया था, इसलिए देखिए शॉर्ट बता रही है। देखिए ये जो एक कंपोनेंट है इसको वैल्यू ये साइड में भी सेम है, ऑपोजिट साइड में भी सेम है, इसको देखना है। ये भी सेम है, जीरो जीरो आ रही है। देखिए ये जो आईसी है ये आईसी शॉर्ट है, देखिए हार्ड जितना भी कंपोनेंट है, देखिए बीपीएस का जितना भी सप्लाई है। तो गाइस देखिए हम ये जो है चार्जिंग आईसी है, डीसी टू डीसी आईसी भी बोलता है, यहाँ से जो कॉयल है कॉयल उठा के ये हमारा आउटपुट साइड कॉयल है, तो इनपुट में कोई शॉर्ट नहीं है। देखिए अब अभी आपको दिखाता हूँ, उस टाइम पे तो कॉयल था दोनों साइड में शॉर्ट था, देखिए इनपुट में शॉर्ट नहीं है लेकिन आउटपुट में शॉर्ट है। तो हम आउटपुट से एग्जाम्पल लेके हम देखिए डीसी मशीन के साथ 1.94 एम्पियर देने का वोल्टेज और एम्पियर जो है 4.05, तो बीपीएस जो सप्लाई है 3.45 करके सप्लाई है। तो गाइस हम अभी इसको ऑन करते हैं, देखिए कौन सा ऐसे हीट होता है, कम कर देता हूँ। देखिए हम जिस तरह बढ़ाता हूँ, देखिए गाइस ये हमारा आईसी जो है, देखिए ये आईसी कितना हीट होता है, थोड़ा सा देखिए पानी थोड़ा ज्यादा दिया है, देखिए ये पानी जल्दी से, देखिए कितना जल्दी में ये सूख जाता है। इधर देखिए ये आईसी में प्रॉब्लम है, तो हम ये आईसी उठा के एक बार देखना है हमारा शॉर्ट हट जाता है ना नहीं आता है। ओके गाइस तो हम यहीं से उठाऊंगा, यहीं से उठाऊंगा थोड़ा सा हम जो ये डाला है लिक्विड, उसको बाद में
थोड़ा सा पेस्ट देता हूँ। पेस्ट देने के बाद आपको बोर्ड में बैठना है। आसपास में कोई कनेक्टर हो तो कनेक्टर को सेफ्टी में रखना है। तो गाइस आईसी को उठाना है, तो हम इसको ये जो बीपीएस का जो सप्लाई शॉर्ट है, ये हार्ट सेक्शन में प्रॉब्लम है। कोई भी आईसी आप उठाने के टाइम पे देखिए, रिलैक्स से उठाना है। जिस टाइम पे ये होता है, थोड़ा आप हिला के देखना है जो आईसी थोड़ा मूव करता है ना नहीं करता है। तो गाइस देखिए हमारा जो आईसी उठाया है, तो अभी देखना है हमारा जो शॉट बताया था वो शॉट है ना नहीं है। तो गाइस अभी तो बहुत हीट है, अभी थोड़ा देखना है। देखिए इस पे अभी तो शॉर्ट नहीं बता रही है। आउटपुट में फिर भी ग्राउंड के साथ बीप दे रही है, लेकिन साथ में क्या है, वैल्यू भी आ रही है। ये हमारा नेटवर्क सेक्शन का आईसी है। तो एक बार हम थोड़ा ठंडी होने के बाद एक बार पावर सप्लाई देके देखूंगा जो हमारा प्रॉब्लम क्या है। ओके गाइस, थोड़ी ठंडी होने के वेट करना है। तो गाइस देखिए हमारा जो आईसी उठाया है, ये नेटवर्क सेक्शन का आईसी है। ये आईसी वाले नेटवर्क के काम के लिए यूज होता है। देखिए हमारा फ़ोन जो है हम ऑन किया है, देखिए फ़ोन जो है उस टाइम पे क्या है, फ़ोन बंद, लेकिन फ़ोन चालू नहीं हुआ। अभी देखिए फ़ोन चालू हो गया। अभी ये सेम आईसी लगाऊंगा, उसके बाद फुल्ली देखिए अभी तो कोई नेटवर्क नहीं आएगा। ये नेटवर्क आईसी उठाया है। तो गाइस हमारा सेम देखिए, ये हमारा एक डेड बोर्ड है, सेम बोर्ड है। तो हम क्या करूँगा, इसी आईसी को उठा के ये साइड नहीं, इसको देखिए ये आईसी उठा के इसका शिफ्ट करूँगा। ओके गाइस, तो आईसी देख, तो गाइस हम आईसी को शिफ्ट कर दिया। और एक कॉयल है, कॉयल को लगाऊंगा। और एक पास से एक कैपेसिटर भी उठाया है ये इसी साइड से, ये भी लगाऊंगा। और देखिए हम कॉयल जो है ये ऐसे शिफ्ट करता हूँ, ये कॉयल तो गाइस देखिए उस टाइम पे क्या आउटपुट बीपीएस आउटपुट में देखिए सप्लाई शॉर्ट बता रही है, लेकिन अभी देखिए अभी कोई शॉर्ट नहीं है, वैल्यू आ रहे ग्राउंड है। देखिए इसमें वैल्यू भी आ रही है, तभी ऑन करके देखना है। और सिम ट्रे को हमको लगाना है। देखिए सिम ट्रे लगा के एक बार देखना है हमारा जो नेटवर्क वो आता है या नहीं आता है। हम सिंगल सिप लगाऊंगा। ओके गाइस, कैसे लगेगा, तो ऑन करते हैं फोन को।
देखिए मेरा फोन जो है ऑन हो गया। ओहो अभी एक चीज मिसिंग है, अभी देखता हूँ। देखिए नेटवर्क का कनेक्शन अभी नहीं दिया है, इसका जम्परिंग करना पड़ेगा, तो हम करूँगा लेकिन पहले ऑन होने दीजिए। कभी जम्पर नहीं होगा तो क्या होगा, चार्जिंग करने के बाद वो नेटवर्क शो होता है, तो हम वही चेक करूँगा जे सिम डिटेक्ट होने के बाद क्या हो रही है। देखिए इसमें क्या आया है, नो सर्विस है, तो हमारा सेटिंग में जाना है, जाके देखिए रजिस्टर हैंडसेट कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारा जो है BSNL का जो सिम है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल रहे हम, देखिए उसको बाद में हम नेटवर्क को जाके देखिए मोबाइल नेटवर्क को सर्च करते हैं ऑटोमेटिकली मैनुअली। ओके और वो कनेक्ट करके भी अभी दिखाता हूँ, लेकिन सर्चिंग करने के बाद क्या होता है देखा है। तो गाइस देखिए हम एसी लाइन जो है नहीं है, लेकिन हम सर्चिंग करने का मेरा नेटवर्क जो आ गया, लेकिन मेरा 100% कन्फर्म वो लगा के भी चेक करके देखा, तो इसलिए हम एक बार देखे सर्चिंग आएगा, ये लगाने के बाद ही फुल नेटवर्क आ जाएगा, लेकिन नहीं लगा इसलिए सर्चिंग में आ गया। ओके गाइस हमारा जो नेटवर्क ऐसे जो है ये देखिए डैमेज हो गया, हम दूसरा बोर्ड से लगाया है। ओके गाइस तो अभी इसको ये करता हूँ बंद करके, एक बार चालू करता हूँ, उसके बाद भी आपको फाइनली दिखाता हूँ। ओके गाइस तो गाइस देखिए हम वो जम्पर किया है, देखिए जम्पर कर दिया, जम्पर करने के बाद देखिए हमारा नेटवर्क एकदम फुल्ली है, एकदम देखिए फुल्ली नेटवर्क है। अभी इसी में हमारा बैलेंस नहीं है, नहीं तो आपको चेक करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है डेटा भी जो है, लेकिन ये BSNL बहुत पुराना सिम है, ठीक है ये एक्टिव होने के लिए बोल रही है, मतलब हमारा चेक करने के लिए सिम हम रखा है। तो गाइस देखिए ये तो डेट था ओनली, ये जो IC है नेटवर्क IC शॉर्ट, ये BPS जो लाइन है शॉर्ट हुआ, और ये IC शॉर्ट होगा इसलिए BPS लाइन भी शॉर्ट हो गया, और IC चेंज करने के बाद नेटवर्क का जो इशू आया है वो भी सोल्यूशन हो गया। तो गाइस मेरी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करते हैं, मत भूलिए। जय हिंद।